वालों नहीं है। मंगलवार मेनू के अनुसार, मंगलवार मेनू के हिसाब से सोया दिन और आलू का है। बिहार के सरकारी स्कूलों के मिड डे मील की सच्चाई, हैरान कर देने वाली मिड डे मील की वायरल वीडियो सामने आई। सब्जी के नाम पर परोसी जा रही थी बच्चों को पानी। भोजन के गड़बड़ी वाले मामले को लेकर होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। बिहार के सरकारी स्कूलों में किस लेवल की पढ़ाई होती है या शिक्षा दी जाती है, ये खबर अक्सर चर्चाओं में रहता है। लेकिन हैरानी की बात है कि बिहार सरकार अब शिक्षा देने के नाम पर सुधार भले ही शुरू कर दे, लेकिन किसी और चीज में घपला घोटाला जारी रखे हुए है। पहले भी कई बार सरकारी स्कूलों में मिड डे मील यानी कि मध्यान्ह भोजन को लेकर काफी कुछ सामने आ चुका है। कभी उन खानों की साफ सफाई, तो कभी उन खानों को किस तरह से बनाया जाता है, तो कभी कभी उन खानों में कीड़े मकोड़ों का निकलना ये आम बात हो गया है। लेकिन हाल ही में एक वीडियो सामने आई है जहां पर ये साबित हो गया कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को मध्यान्ह भोजन यानी कि मिड डे मील के नाम पर क्या कुछ परोसा जा रहा है। बिहार सरकार स्कूलों में मिड डे मील के नाम पर बड़ी राशि का ऐलान कर देती है, लेकिन वो राशि असल में राशन खरीदने और उस खाना को बनाने में कितना काम आता है, इस पर जांच पड़ताल नहीं की जाती। पहले आप उस वायरल वीडियो को देख लीजिए। चलिए, 90 बच्चा है जिसमें ये देखिए, एक भी आलू नहीं। देखिए, देखिएगा ना बाबू, सब देखिए, आलू नहीं रहा है, नहीं गिरा है, एक आलू नहीं है, एक आलू नहीं है। मंगलवार मेनू के अनुसार, मंगलवार मेनू के हिसाब से सोया दिन और आलू का है आज। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे बैठे हैं, उन्हें खाना परोसा जा रहा है। तभी एक शख्स वीडियो बनाता है और कहता है कि जो पतीले में सब्जी है उसे बाल्टी में उलट कर दिखाओ। अब सोचने वाली बात है कि पतीले में मौजूद जो नजर आ रहा है वो सब्जी नहीं दाल लग रहा है, क्योंकि उसमें एक भी आलू या किसी और सब्जी का टुकड़ा नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पानी है, मसाला डाला हुआ पानी। लेकिन उन बच्चों को आलू की सब्जी कहकर यही मसाले वाला पानी खाने में परोसा जा रहा है। ये पूरा मामला बिहार गया जिले के बेलागंज प्रखंड ग्राम पंचायत चिरेला के चुड़िहारा गांव के प्राथमिक विद्यालय का है। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों ने इस पर कार्रवाई की मांग की है, और न केवल इसी सरकारी स्कूल बल्कि बाकी सरकारी स्कूल में भी मिड डे मील को लेकर जांच पड़ताल की मांग की। एक तरफ जहां चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक पार्टियां जनता के हित का सोचना बंद कर देती है और अपने पार्टी को बचाने और वोट इकट्ठा करने में लग जाती है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे राज्यों में इस तरह की तस्वीर और हकीकत उजागर हो जाती है। शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत बिहार में पहले से जर्जर है, लेकिन अब घोटाला बच्चों की थाली मिड डे मील तक पहुँच चुका है। इसे लेकर बिहार वासियों को बहुत ही ज्यादा सजग रहने की जरूरत है, और उनके द्वारा इसे अनदेखा करना बेवकूफी हो सकती है, क्योंकि इस बार बात आपके बच्चे के स्वास्थ्य की है।